स्टेप में ये रिएक्शन हुई है, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, एक ही स्टेप है भाई। यूट्यूब आनी देला MBBS पाठ पढ़ एक सुजोग। ढेंकनाल जिला कंकड़ाहाड़ ब्लॉक कंकड़ाहाड़ ग्रामर दयानिधि पात्र पुआ सिद्धार्थ शंकर पात्र। सिद्धार्थ जड़े मध्यवित्त परिवार होइथिबा बेले निजर अभाव को आखि आगरे रखी निज घरे रही निजर पाठपढ़ा आरंभ करिथिले। एभली पुअर ऑनलाइन पाठपढ़ा को देखी बापा दयानिधि पात्र मन बळैथिले पुअ को डॉक्टर पाठ पढ़ाइबा पई। बापा निज अंचल रे कोनोसी रोजगार न करे अन्य राज्य को दादन खटिबा को जाई मन बळैथिले पुअ को करिबे डॉक्टर। बापा दयानिधि बेंगलोर शारदापुर रोड रे SRF सिक्युरिटी एजेंसी माध्यम रे 7 वर्ष हेब सिक्युरिटी गार्ड करि निज पुओ को बिना कुंची रे डाक्टर पाठ पढ़ाइबा पई इच्छा प्रकाश करिथिले। सिद्धार्थ मध्य निज बापांक परिश्रम को न एडाई बापांक दरमा टंकारो एक मोबाइल आनिथिले। सही मोबाइल साहाज्य रे यूट्यूब माध्यम रे पाठ पढ़ी आज जड़े योग्य डाक्तरी पाठ पढ़ापाई रायपुर एम्स मेडिकल कॉलेज पाई मनोनीत होइछंती। सिद्धार्थ को परिवार अति मध्यवित्त होइथिबा बेले बापा मा सिद्धार्थ को आशा रखिथिले भलो डॉक्टर टिए करिबा पाई, जहाँ फल रे सिद्धार्थ आज बिना कोनोसी कोचिंग क्लास नकरी यूट्यूब रे कोचिंग नेबाकु मनस्थिर करी आज बनिछंती जड़े डाक्तरी युवक। निज परिवार पाई एवं निज अंचल पाई एहा एको गौरवर विषय बोली अंचलवासी खुशी मने करुछंती। सिद्धार्थ को डाक्तरी पाठ पढ़िबार खबर सुनी अंचलवासी को मनरे एबे खुशी रो लहरी खिल जाइछि। शेषरे सिद्धार्थ कहिछंती जे अन्य युवपीढ़ी जदि डाक्तरी पाठ पढ़िबा पाई इच्छा करंती तेबे कोचिंग न नै मध्य ऑनलाइन यूट्यूब माध्यम रे पाठ पढ़ी आगकु जाई परिबे एवं सेहिपरि पाठ पढ़ा परे निज अंचल रे रही लोकक सेवा करिवे बोली सिद्धार्थ कहिछंती। मु जने मध्यवित वर्गर परिवारर पिला, मो बापा मा चाहुथिले जे मु MBBS पाठ पढ़े डॉक्टर हुए, तो से मत प्लस टू लेवल रु ही मत गाइड करती सब बेले एवं बापा सब बेले भी फाइनेंशियली सपोर्ट करती, मोरली सपोर्ट करती एवं सब बेले जमी मु मेंटली सब बेले प्रिपेयर रही एनी टाइप ऑफ एग्जाम पाई जिते सब स्टेप आसुची आग को लाइफ रे जिते सब आसुची तो से बापा सब मोरली सपोर्ट करती। मो माँ बहुत इनोसेंट, से जाने ना मुझे कौन करे कि सब बेले मो उपरे तार आशीर्वाद रखे एवं सब बेले समस्त मते भल पांदी। टका पैसा पई के बेसी साहाज्य करे? हां बापा साहाज्य करंदे किंतु मां गोटे भी सब बेले सपोर्ट। बापा कोन? मो बापा बेंगलोर रे सिक्युरिटी सुपरवाइजर अछंदी। मु 10th मो लोकल दधिवंज हाई स्कूल करथली, तापर जेतेलो प्लस 2 करली सेतेलो को भल भाव जाने पाइली जे MBBS एक्चुअली केमती करा जाए, केमती नीट दे कोबले डॉक्टर पाठ पढ़ी पार, तो से जिते प्लस 2 थी से मो प्रचेषा लगे रखी थी जे नीटा क्राक करार अच्छी एवं 2024 मे 5 रे एग्जाम होता मुझे 673 मार्क रखी एवं नीट उत्तीर्ण करउनसलींग एम्स रायपुर सीट आलटमेंट हो। मु जने भाग्यवान लोक, आम घरे पुओ जो आसी सी जने बहुत टैलेंट पिला, पिता हिसाब रे बापा हिसाब रे आमे जो सतर्कतार सहित जो स्कूल चयन करथिलु विद्यालय जो चयन करथिलु तार परिणाम होची आज से डॉक्टर हेबाक जाउची। कंकड़ाहाड़ रे अभिनव शिशु शिक्षा निकेतन से प्राथमिक शिक्षा आरंभ होता, कंकड़ाहाड़ ET स्कूल रे से सप्तम अष्टम करथिला, तापर दधिमामन जी हाईस्कल कंधरा से आकचुअली तार मूलदुआ मान सुदृढ़ होता इटी मैट्रिक भल भाव उत्तीर्ण होगापर भुवनेश्वर BJP कॉलेज रे सी प्लस 2 करतापर नीट पाई प्रिपेरेसन होता, किंतु मु 2-3 कोचिंग सेंटर सहित कोचिंग देवाई प्रयास करी भुवनेश्वर जाइला भी, किंतु कोचिंग सेंटर जो शिक्षा प्रणाली थी ताको से पसंद करिनथिला आ मते से रुक्तु कहिथिला जे मु ऑनलाइन रे आ यूट्यूब रे देखि बापा मु एटा कर देबी, मोर सेति सक्षम अछि, मु कॉन्फिडेंट अछि, तेणु से यूट्यूब आ ऑनलाइन ए माध्यम रे कष्ट करी प्राय 18 घंटा से पाठ पढ़े आज ये सफलता पाई से मु गर्वित तो, आम अंचल भी गर्वित तो। एक्चुअली डॉक्टर जेते बेले से मनस्थ कला जे मु मेडिकल लाइन जीवी
ଆମେ ହେଲୁ ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ। ଚାଷ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଚାଷରୁ କୌଣସି ମତେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସିରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିକି ଏବେ ମୁଁ ସୁପରଭାଇଜର ଭାବେ ସେଠି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ସେଠୁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହୋଇଥିଲା ତାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଟୋଟାଲ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି କି ଦୁଃଖ ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ ମୋ ମନରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଆତ୍ମବିଭୋର ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଣେ 24 ଆୱାର୍ସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭଲାଣ୍ଟିୟର୍ସ ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରେ। ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ମୁଁ କରେ। ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ବି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ସିଏ ସୁଦୂର ଏମ୍ସରେ ରାୟପୁରରେ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଡିଗ୍ରୀ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରେଇବି ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଇଏ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ସେ ମୋର ନାଁ ରଖିଛି। ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କେବେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲି, ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଦେହରେ ଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଡକ୍ଟର ଚେୟାରରେ ବି ବସିଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ କରିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ। ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକିନି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ। ମୋ ଝିଅ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଡକ୍ଟର କରିବି। ମୋତେ ଭଲ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଭାବେ ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବ, ମୋ ପୁଅ ଭଲ ଡକ୍ଟରଟେ ହୋଇକି ଏମିତି ସେବା କରୁ। ପାଖରୁ ତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଛାଡ଼େନି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଥିଲା, ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି। ମୋ ଖୁଡ଼ିଶା ସେମାନେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଯାଆ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଯାଆ ମୋତେ ବହୁତ ବି ଚିଡ଼େଇବ, କହିବ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଚିଡ଼ାଏ, ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି ମୋ ଯାଆ ବି ମୋତେ କୁହେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଭଲ ଡାକ୍ତରଟେ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରବୀଣ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।